सफरी साहब जी बोदलां वाले एक ऐसी ऐसे कवि होए ने जिन्हां दा भी कोई सानी नहीं, सिख पंथ नूं उन्हां ने बहुत सुंदर सुंदर कवितावां लिख के दित्तियां, खास करके सिक्खी दे सिलेबस साका सरहंद उन्हां दा लिखिया होया, बड़ा उस समय दा मशहूर सी जदों नरेंद्र बीबा ते उन्हां दे साथियां ने उसनूं गायन कीता। एक तवे जदों हुंदे सन ओह आए सन, उस समय दे सत्कारयोग जनाब चरण सिंह जी सफरी उन्हां दा एक शेर जो माता गुजरी जी ठंडे बुरज विच कैद ने जदों छोटे साहिबजादियां नूं दीवारां दे विच चुणिया जा रहा है, एक मजदूर जिसका दिल पसीज गया ऐसा दृश्य वेख के, ऐसा दर्दनाक सीन वेख के वो रह ना सकिया, गारे दे पज माता गुजरी जी नूं जाके आखदा कुछ गल, ते माता गुजरी जी अगों की जवाब दिंदी। सफरी साहब लिखदे ने मजदूर आदमी, जे मैं अम्मीए जरा कुछ जिकिया ता मैनू मेरे मालका चिड़कना है, इट्टां भारियां ने जिंदा हौलियां ने लाला डोलना कंबना थिड़कना है, पानी कहा मसूमा ने सहम के तेरे दीदिया ने लहू छिड़कना है, लाल काल जे नाल जाके बच्चियां तेरा फेर जो काल जा तिड़कना है। ऐ प्यारी मां मैनू इट्टां भारियां लग गईयां, बच्चे बड़े मासूम, इस तों पहला कि तेरियां अखां दे विच्चों लहू दे अथरू किरण जा, तेरे कोल समा है तू बचा सक, सारियां दी जान बख्शी हो जाए। पर अगों जवाब दिंदे ने माता, माता गुजरी जी अगों जवाब दिता, मेरा नाम गुजरी मेरी अल गुजरी एहो जही कहारी ता मेरे उते कड़ी कड़ी गुजरी पल पल गुजरी, पहला पति दिता फिर मैं पोते दिते, आ हुण मौत मैनू कहिंदी चल गुजरी, गुजरी लोक मैनू ताइयों आखदे ने जेड़ी आई सिर ते चल गुजरी, जेड़ी आई सिर से ओ मैं चल गुजरी, चल गुजरी।
ठंडे बुरज च बैठी माता शगन करे, शगन करे डोरावर फते सिंह कौड़ी चढ़े, डोरावर फते सिंह जिंदा सोने
लाड़ी मौत रूस जावे सुचा नंद सिंह कोड़ी चढ़े।